स्टूडेंट्स ये टेंथ क्लास का जो साइंस का है मेटल एंड नॉन मेटल वो चैप्टर्स है तो पहला हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ मेटल मेटल्स क्या होते हैं तो मेटल्स आर द एलिमेंट विच लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन जो इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन्स बनाते हैं यानी कि जो है वो घनात्मक आयन बनाते हैं उन्हें हम मेटल्स यानी कि धातु कहते हैं वट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ़ मेटल मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ यानी कि उसके गुण क्या क्या हैं तो सबसे पहला है मेटल्स हैव साइनिस सरफेस मेटल्स का जो है वो मेटल जो भी होते हैं जितने भी धातु होते हैं वो चमकदार होती हैं सेकेंड है मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर कमरे के ताप पर ज़्यादातर जो है मेटल्स जो है वो ठोस होते हैं एक मरकरी ऐसा मेटल्स है जो लिक्विड होती हैं मेटल्स आर यहाँ पर आर आना चाहिए था ए आर ई मैटर आर मेलेबल्स मेलेबल्स का मतलब होता है दे कैन बी बीटेन इनटू सीट जिन्हें हम सीट के रूप में पीट करके बना सकते हैं अगला है मेटल्स आर जनरली डक्टाइल्स। डक्टाइल्स का मतलब होता है कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर जिनको हम पीट करके जो है मेटल्स को थिन वायर पतली जो है वो तार के रूप में बदल सकते हैं मेटल्स आर जनरली डक्टाइल्स जिन्हें हम तार के रूप में बदल सकते हैं अगला हमारे पास आ जाता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी तो ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हैं गुड कंडक्टर्स का मतलब होता है कि इसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी आसानी से प्रवाहित हो जाती है मेटल्स हैव हाई डेंसिटी इनका घनत्व जो है काफ़ी ज़्यादा होता है मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं और मेटल्स हैव सोनोरस सोनर अंड प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग यानी कि जो भी मेटल्स होते हैं अगर किसी से उसे पीटा जाए मेटल्स को तो उसमें से ध्वनि उत्पन्न होती है दैट इज़ कॉल्ड सोनोरस प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अगला हमारा वट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है वेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन जब कभी भी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है इट प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड ये मेटल ऑक्साइड देता है सेकेंड है वैन मेटल रिएक्ट विद वाटर जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड ये मेटल ऑक्साइड देता है वेन मेटल रिएक्ट विद एसिड जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है इट प्रोड्यूज साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस तो इसमें से साल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है वैन मेटल रिएक्ट विद साल्टल्यूशन जब कभी मेटल जो है वो रिएक्ट करता है साल्ट सोल्यूशन के साथ तो फोर रिएक्टिव uh, uh, तो यहाँ पर आ जाएगा मोर रिएक्टिव मेटल्स फोर की जगह आ जाएगा आपका मोर एम ओ आर ई मोर रिएक्टिव मेटल डिसप्लेस द लेस्ट लिस्ट रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सार्ट सोल्यूशन तो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होता है वो कम रिएक्टिव मेटल्स को उसके सार्ट सोल्यूशन में से रिप्लेस कर देता है या डिस्प्ले कर देता है वहाँ से हटा देता है वैन मेटल रिएक्ट विद क्लोरिन जब क्लोरिन के साथ मेटल रिएक्ट करता है इट प्रोड्यूस मेटल क्लोराइड ये मेटल क्लोराइड को देता है अब अगला आता है वैन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन जब मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो इट गिवज़ इट गिवज़ आएगा यहाँ पर इट गीव मेटल हाइड्रोक्साइड तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड देता है अब हमारा आ जाता है वट इज द यूज ऑफ मेटल्स मेटल का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं तो मेटल आ यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर इलेक्ट्रिक वायर बनाने में मेटल्स का यूज किया जाता है धातुओं का मेटल आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल तो ये पहले आ चुका है आपका तो मेटल्स आर यूज टू मेकिंग यूटेंसिल बर्तन बनाने में भी मेटल्स का प्रयोग किया जाता है मेटल आर यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग बिल्डिंगों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पर फिर ये आ गया है क्वेश्चन का ये चलो मेटल्स आर यूज इन थर्मामीटर थर्मामीटर में मेटल का यूज़ किया जाता है एक मेटल्स है जिसका यूज हम थर्मामीटर में करते हैं मेटल आर यूज इन थर्मामीटर्स ये भी इसमें रिपीट हो चुका है तो मेटल्स आर यूज इन टू मेक ज्वेलरी ज्वेलरी यानी कि आभूषण बनाने में भी मेटल्स का यूज किया जाता है उपयोग किया जाता है मेटल आर यूज इन एटोमिक एनर्जी एंड स्पेस एटोमिक एनर्जी और स्पेस में भी मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है नेक्स्ट है मेटल नॉन मेटल्स तो नॉन मेटल आल द एलिमेंट विच गेन इलेक्ट्रॉन्स विच गेन इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं एंड फॉर्म नेगेटिव आयन्स तो मेटल और नॉन मेटल की डेफिनेशन में थोड़ा सा ही अंतर है यहाँ पर मेटल्स में हम लिखते हैं लूज और यहाँ लिखते हैं पॉजिटिव आयन बट नॉन मेटल में यहाँ पर गेन आता है यहाँ पर नेगेटिव आयंस आता है यानी कि नॉन मेटल अधातु वे वो होती हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को प्राप्त करती हैं एंड फॉर्म नेगेटिव आयंस और नेगेटिव ऋणात्मक आयन बनाते हैं अब आता है व्हाट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है पहले दे है नॉट साइनी सरफेस। उनका जो है वो सरफेस साइनी नहीं होता यानी चमत्कार नहीं होती है यह आ चुका है पहले इसमें दे मे बी सॉलिड लिक्विड एंड गैस एट रूम टेम्परेचर वे रूम टेम्परेचर पर सॉलिड भी हो सकती हैं लिक्विड भी हो सकती हैं और गैस भी होती है हो सकती हैं दे आर नॉट डक्टाइल्स वे डक्टाइल्स नहीं होती यानी कि उनको हम तार में नहीं बदल सकते दे आर नॉट मेलेबल मेलेबल का मतलब होता है जिसे पीट कर सीट में बदला जाता है दे आर नॉट मेलेबल दे हैव लो डेंसिटी उनकी जो डेंसिटी होती है वो काफ़ी लो होती है काफ़ी कम होती है दे आर नॉट सोनोरस उनमें अगर हम किसी चीज़ से नॉन मेटल को पीटते हैं तो वो ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉयलिंग पॉइंट उनका मेल्टिंग और बॉयलिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है नॉन मेटल की ये अपोजिट होती है मेटल से सारी की सारी अगर आप मेटल्स की प्रॉपर्टी अगर याद कर लेंगे लर्न कर लेंगे तो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी अपने आप ही आप समझ जाएंगे अब आ जाता है हमारा <coughs> केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है वैन नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो टू प्रोड्यूज नॉन मेटल ऑक्साइड तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा दूसरा है कि नॉन मेटल रिएक्ट वैन आ जाएगा यहाँ पर वैन नॉन मेटल वैन नॉन मेटल रिएक्ट विथ क्लोरिन जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है इट प्रोड्यूस नॉन मेटल क्लोराइड ये नॉन मेटल क्लोराइड देता है इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर वाटर के साथ नॉन मेटल कभी भी रिएक्ट यानी कि कोई भी अभिक्रिया नहीं करते इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर तो हो गया आपका ये अब वैन नॉन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है इट फॉर्म नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड तो ये नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है इट डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड यानी कि अम्ल के साथ ये कोई भी क्रिया नहीं करता है वैन मेटल रिएक्ट विद साल्ट सोल्यूशन देखिए यहाँ वैन आएगा वैन मेटल रिएक्ट विद साल्ट सोल्यूशन जब वो सॉल्ट सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेड डिस्प्लेड द लिस्ट लेड रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट्स सार्ड सॉल्यूशन। जब हमारा नॉन मेटल्स जो है वो किसी भी रिएक्ट करता है सार्ड सॉल्यूशन में तो जो ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल के डिस्प्लेस कर देते हैं यानी कि हटा देते हैं वहाँ से उनके सार्ट सोल्यूशन से अब हमारे पार आ गया कि वट इज़ द यूज ऑफ नॉन मेटल्स नॉन मेटल के यूज़ क्या क्या हैं देखिए पहला दे रखा है नॉन मेटल्स आर यूज इन कम्बुशनस दहन में हमारा जो है वो नॉन मेटल यूज होता है ऑक्सीजन एक नॉन मेटल्स है जो कम्बुशन में काम आता है नॉन मेटल्स आर यूज यहाँ पर आर आना चाहिए था ए आर ई यहाँ पर भी ए आर ई और यहाँ पर भी ए आर ई नॉन मेटल्स आर यूज इन फर्टिलाइजर्स फर्टिलाइजर्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है नॉन मेटल्स आर यूज इन फर्टिलाइजर्स ये तो हो चुका है आपका नॉन मेटल्स आर यूज टू क्लीन द ड्रिंकिंग वाटर तो ड्रिंकिंग वाटर को क्लीन करने में भी नॉन मेटल का प्रयोग किया जाता है नॉन मेटल आर यूज टू जर्मी साइड जर्मी साइड का मतलब होता है कि जम को मारने में उसका इस्तेमाल किया जाता है नॉन मेटल्स आर यूज इन क्रैकर्स इसको हम क्रैकर्स के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं इसमें जो पटाखे होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है अब हमारे पास आ जाता है कि व्हाट इज the... आयनिक कंपाउंड आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं द केमिकल कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ यहाँ पर तो वट इज आयनिक कंपाउंड आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं द केमिकल कंपाउंड कम्पोज ऑफ आयन जो आयन से बने होते हैं हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े होते हैं उसे हम आयंस कहते हैं व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड आयनिक कंपाउंड्स के गुण क्या होते हैं एक तो इसकी फिजिकल नेचर होता है इनका फिजिकल नेचर में आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड एंड हार्ड आयनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं सॉलिड और हार्ड होते हैं क्यों होते हैं बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस क्योंकि आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ एंट्रैक्शन होता है दूसरा है उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स उनके कैसे होते हैं आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होते हैं बिकॉज ए लोट ऑफ़ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक और ब्रेक द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्योंकि आयन जब आपस में जुड़े होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े होते हैं तो उसे तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है इसलिए उनके मेल्टिंग और बॉयलिंग पॉइंट्स काफ़ी हाई होते हैं सोलुबिलिटी, यानी कि घुलनशीलता आयनिक कम्पाउंड आर जनरली सोलुबल इन वाटर ये वाटर में तो सोलुबल होते हैं एंड इन सोलुबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट ऑर्गेनिक सोलवेंट में ये जो है वो इन सोलुबल होते हैं यानी कि अघुलनशील होते हैं कंडक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंडस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी जितने भी आयनिक कम्पाउंडस होते हैं वो जो है वो क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं यानी कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो जाती है अब हमारे पास आता है व्हाट इज़ अलॉय। अलॉय क्या होता है द होमोजीनियस मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है जब हम एक मेटल्स और एक नॉन मेटल्स को आपस में मिलाते हैं या दो मेटल्स एक दो नॉन मेटल्स को मिलाते हैं जो प्रोडक्ट बनती है उसको आप देखकर जज नहीं कर सकते कि ये इसमें क्या क्या मिक्स है तो दैट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर तो थ्रू आउट वन कंपोजिशन इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर तो द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इन डेफिनेट प्रपोर्शन आर कॉल्ड अलॉय यानी कि मेटल और नॉन मेटल्स का जो होमोजीनियस मिक्सचर है और उसे एक डेफिनेट प्रपोर्शन्स में मिला करके बनाते हैं उसे हम अलॉय कहते हैं वट इज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अलॉय अलॉय के जो गुण क्या क्या हैं तो सबसे पहला आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी ऑफ अलॉय इज लेस देन प्योर मेटल जो भी अलॉय हम बनाते हैं जिस धातु से बनाते हैं उससे इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी कम होती है दूसरा इट हैज़ लो मेल्टिंग एंड बॉयलिंग पॉइंट देन इट्स कंस्टिट्यूट्स इसके कंस्टिट्यूट जिस चीज़ से बना है उससे इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होता है इट इज रेजिस्टेंस टू कोरिजन और इस पर जंग नहीं लगता है इसमें है पोटाशियम एंड लिथियम मेटल गेट फायर व्हेन कैप्टिन ओपन गेट फायर जब हम पोटाशियम और लिथियम मेटल्स को ओपन छोड़ देते हैं रख देते हैं तो उसमें आग लग जाती है क्यों लगती है इसका कारण आपको बताना है देखिए बिकॉज दे एयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर उनका जो रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर कमरे के ताप पर इज वायलेंट वायलेंट मतलब होता है बहुत ही आ, ये समझ लीजिए तेजी से रिएक्शन कर लेता है दे कैच फायर वैन कैप्टिन ओपन वे जब उन्हें खुला छोड़ा जाता है तो उन्हें वो आग पकड़ लेते हैं टू प्रिवेंट दिस इसे बचने के लिए वी कैप्ट वी कीप दैम इन कैरोसिन तो कैरोसिन के अंदर यानी कि मिट्टी के तेल के अंदर इसे रखते हैं तो बच्चों इसमें से एम सी क्यू क्वेश्चन आ सकते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन वट इज मिनरल्स मिनरल्स क्या होते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड वी चक्कर इन देअर नेचर फॉर्म इन द अर्थ आर कार्ड मिनरल्स मिनरल्स वो होते हैं जो अपने प्राकृतिक रूप से पृथ्वी में पाए जाते हैं दैट इज़ कार्ड मिनरल खनिज जिसे कहते हैं वट इज एम्पोथेरिक ऑक्साइड तो ये क्वेश्चनस काफ़ी बार एग्जाम्स में आया हुए हैं कि एम्पोथेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं द ऑक्साइड विच शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर जो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दोनों ही शो करता है आरकार्ड एम्पोथेरिक ऑक्साइड उसे एम्पोथेरिक ऑक्साइड कहते हैं अब एक क्वेश्चन आता है आप लोगों के पास ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है वाट इज एम्पोथेरिक ऑक्साइड अगला क्वेश्चन है आपके पास प्लेटियम गोल्ड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी वाई हम इसका इस्तेमाल प्लेटियम का गोल्ड का ज्वेलरी का सिल्वर uh, का ज्वेलरी यानी कि जेवर बनाने में क्यों करते हैं बिकॉज दे आर लिस्ट रिएक्टिव वे तो रिएक्टिव कम होते हैं यानी कि किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते हैं जल्दी कम करते हैं दे मेंटेन देयर साइन फॉर ए लॉन्ग टाइम और उनकी चमक जो है वो लंबे समय तक बनी रहती है इसलिए हम उन्हें ज्वेलरी में यूज़ करते हैं अब हमारे पास आ जाता है कि कॉपर्स वायर कैन बी यूज़ फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वायर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन में हम कॉपर की वायर का इस्तेमाल क्यों करते हैं बिकॉज इट हैज़ लो रेजिस्टिविटी इसके अंदर रेजिस्टिविटी काफ़ी कम होती है यानी कि रुकावट कम होती है इसलिए हम इसका इस्तेमाल जो है इलेक्ट्रिक वायर के रूप में ट्रांसमिशन में करते हैं वॉट इज गेल्वनराइजेशंस गेल्वनाइजेशंस क्या होता है इट इज़ ए मैथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग ये एक प्रकार का एक मैथड है एक तरीका है जो प्रोटेक्ट करता आयरन को रस्टिंग से यानी कि जंग लगने से द आर्टिकल इज कोटेड विद ए थिन लेयर ऑफ जिंक जो भी आर्टिकल्स होती है उसको एक थिन लेयर ऑफ जिंक जिंक की एक पतली परत चढ़ा देते हैं आपने देखा होगा आपके चाकुओं में चम्मचों में जो एक थिन लेयर होती है जिंक की वो जो है प्रोटेक्ट करती है उसको रस्टिंग से अगला क्वेश्चन आता है कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक बट नॉट स्टील वाई कि कॉपर का यूज हम करते हैं हॉट वाटर टैंक बनाने में स्टील का नहीं करते क्यों कॉपर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड एज कंपेयर टू स्टील क्योंकि जो कॉपर होता है वो बेस्ट कंडक्टर होता है हीट का हीट इजीली फ्लो हो जाती है उसमें से और स्टील की नहीं होती उसकी कम होती है इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि वी मेक कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक अब आता है वाई डज एलमोनियम ऑक्साइड इज़ कार्ड एम्पोथैरिक ऑक्साइड देखो एम्पोथेरिक ऑक्साइड मैंने भी आपको बताया था कि जो रिएक्ट करता है एसिड एज एस वेल एज बेस तो एलमोनियम को हम एम्पोथेरिक ऑक्साइड क्यों कहते हैं तो भी क्योंकि एलमोनियम ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करेगा एसिड और बेस से तो सेम देखिए एलमोनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड एज एस वेल एज बेस सो so इट इज़ कॉल्ड एम्पोथेरिक ऑक्साइड अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज स्टैंडल स्टील ये स्टेनलेस स्टील डज नॉट रिएक्ट इजीली वाई तो ये स्टेनलेस स्टील जो है वो इजीली रिएक्ट क्यों नहीं करता है इसका रीज़न क्या है बिकॉज इट इज़ ए अलॉय स्टेनलेस स्टील एक अलॉय है ईज़ीली वो रस्ट नहीं करता यानी कि जंग उस पर आसानी से नहीं लगता है क्योंकि वो अलॉय है और अलॉय पर आपने अभी पढ़ा है कि उसमें जंग नहीं लगता है अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है कि मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट सेफ अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स वाई मेटल्स को हम विभिन्न प्रकार के सेफ दे सकते हैं आकृति दे सकते हैं हमारी आवश्यकता के अनुसार क्यों बिकॉज मेटल कैन बी गिविन डिफरेंट सेफ अकॉर्डिंग टू अवर नीड बिकॉज दे आर मेलेबल एंड डकटाइल्स क्योंकि वो मेलेबल्स हैं और डक्टाइल्स हैं मेलेबल्स का मतलब हम उन्हें चद्दरों बदल सकते हैं डक्टाइल्स का मतलब जिन्हें हम तार में बदल सकते हैं अगला हमारा आ जाता है आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर वाई आयनिक कंपाउंड जो है वो रूम टेम्परेचर पर ठोस क्यों होते हैं तो आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर आर सॉलिड लिखना था यहाँ पर ये सॉलिड आएगा यहाँ पर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू फोर स्ट्रोंग यहाँ पर आ जाएगा स्ट्रोंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होता है इसलिए ये कमरे के जो है वो रूम टेम्परेचर पर जो है वो क्या होते हैं सॉलिड होते हैं अगला है ओर ओर का मतलब होता है जहाँ से जो धातु निकाली जाती है दैट इज़ ए कार्ड और मिनरल फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रोबेबिलिटी प्रोफेबिलिटी आर कार्ड ओर यानी कि जहाँ से जो है वो एक्सट्रैक्टेड की जाती है प्रोबेबिलिटी अपनी फ़ायदे के लिए उसे हम और कहते हैं व्हाट इज़ रोस्टिंग रोस्टिंग क्या आता है हीटिंग द ओर इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर में जब हम ओर को आ, क्या कहते हैं हीट करते हैं इज़ कार्ड रोस्टिंग इट इज़ डन फॉर सल्फाइड ओर इसे सल्फाइड ओर से पूरा किया जाता है तो ये दो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं अगला है व्हाट इज कैल्सिनेशन हीटिंग द और इन एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर उसमें लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर था इसमें एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर इज कास्ट कैल्सिनेशन इट इज़ डन बाय कार्बोनेट और इसे कार्बोनेट और की उपस्थिति में किया जाता है अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि गोल्ड ज्वेलरी नॉट मेक नॉट मेड ट्वेंटी फ़ोर कैरेट ट्वेंटी फ़ोर कैरेट की क्यों नहीं बनाई जाती है गोल्ड ज्वेलरी देखिए गोल्ड जो ट्वेंटी फ़ोर कैरेट का काफ़ी सॉफ़्ट होता है काफ़ी मुलायम होता है अगर उससे हम ज्वेलरी बना देते हैं तो वो पिचकने का डर होता है उसका वो अपनी जो सेफ है उसको चेंज कर देता है अगर थोड़ा सा भी उस पर प्रेशर पड़ता है ट्वेंटी फ़ोर कैरेट इज़ वेरी सॉफ्ट सो इट इज़ नॉट सूटेबल फ़ॉर मेकिंग ज्वेलरी टू मेक ज्वेलरी वी यूज ट्वेंटी फोर कैरेट गोल्ड हम इसमें ट्वेंटी फ़ोर कैरेट गोल्ड यूज़ करते हैं एंड टू कैरेट सिल्वर और कॉपर तो स्ट्रेंड्स ये आपका फर्स्ट पार्ट था मेटल एंड नॉन मेटल्स का सेकेंड पार्ट आपको जल्द ही पब्लिस हो जाएगी तो कैसी लगी वीडियो मैंने आपको इसमें सिर्फ मोस्ट एंड मोस्ट ही पॉइंट रखे हैं जो आपको समझने में कोई लम्बी वीडियो नहीं बनाई है शॉर्ट में सब कुछ करवाए हम Okay, students.